नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानपद स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत छे। हवे आपणे एसएम काढीशुं, हिंदी एसएम पेज नंबर 58। हिंदी एसएम पेज नंबर 58 पाठ 12 दुमदुमा गाँव के बच्चे। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहलो, हाँ हाँ यही ठीक है, इस वाक्य किसने बोला था? ए बच्चे, बी लड़की, सी लड़का, के ईशान? तो के ए बच्चे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, इस वाक्य किसने बोला है? बिल्लू, बच्चे, रजिया के वर्षा? तो के रजिया। त्रीजू, बादल रोज कैसे बरसते हैं, इस वाक्य किसने बोला है? महिमा ने। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, इस वाक्य किसने बोला है? महिमा, रजिया, कशिश के बिल्लू? तो के बिल्लू। पानी की समस्या किस गांव में है? ए दुमदुमा, करणपुर, बादनपुर के पावागढ़? तो के दुमदुमा। हवे प्रश्न बीजो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे तालाब में खाली जगह रहे हैं? नहा। बरसात में उस खाली जगह में पानी भरा तालाब। त्रिजु, मैं बादलों से खाली जगह करूँगा और रोज बरसे प्रार्थना। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी खाली जगह रहे ढोते, पानी से खेतों की खाली जगह हुई सिंचाई। दुमदुमा गांव में हमेशा खाली जगह की कमी रहती थी, पानी। बच्चे पानी में खाली जगह चाहते हैं, यह कहाँ? तैरना। एक बड़ा सा खाली जगह क्यों ना खोदे? तो के गड्ढा। त्रिजू, प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्या, पहलो, क्या समस्या दुमदुमा गाँव की थी? तो कि दुमदुमा गाँव की समस्या कई थी? तो कि दुमदुमा गाँव की यह समस्या थी कि दुमदुमा गाँव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। पानी की समस्या के कारण बच्चे कहाँ क्या नहीं कर पाते थे? तो कि पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। त्रिजू, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। चौथू, जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए? तो कि जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कहाड़ी, कुदाले और तसले लाए। पांचवा, कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? लिखिए, तालाब, नदी, सरोवर, बारिश, कुआ आदि से मिलता है। चलो हवे बाजूनो पेज खोलो, जोई 59 पेज नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहलो, हम कहाँ कहाँ पानी का उपयोग करते हैं? हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में और खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। बीजू, लोग पानी का उपयोग कैसे करते हैं? लोग पानी का उपयोग इस प्रकार करते हैं। पहलू, पानी के पीने का पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, और चौथू, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते है। हवे त्रीजो प्रश्न,
पानी का उपयोग कैसे रोका जा सकता है? पानी का उपयोग इस तरह रोका जा सकता है। पहलू, जलाशयों पर सूचनाएं लिखिए, टपकते नल बंद करके पीने योग्य पानी की जरूरत के मुताबिक उपयोग करेंगे। पानी का उपयोग बंद करने के लिए लोगों को समझाइए। चौथा, दुमदुमा गांव को तालाब में पानी भरने से क्या फायदा हुआ? दुमदुमा गांव को तालाब में बरसात का पानी भरने से बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहराने लगे। हवे प्रश्न पांच, गुजराती में अनुवादन कीजिए। बच्चे पानी में खेल, आ तमने बधुं पाठ्यपुस्तक में आवी ज गयुं हतुं, आपणे स्वाध्यायमां कर्युं हतुं ने, ई ज बधुं छे। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, बाळको पाणीमां रमवा इच्छता हता। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानी थी खेतों ने सिंचाई थाय छे। त्रीजू, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वर्षादना पानी थी तड़ाव में पानी भरायू। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पाणीनी तंगी दूर करवानुं विचार्युं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकठा थया। बच्चे पानी में तैरना चाहते थे, तो के बाळको पाणी में तरवा इच्छता हता। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, हूँ वादळों ने विनती करीश। आठो, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? वादळाओ रोज केवी रीते वर्षी शके? नवमो, बच्चे फावड़ी कहाड़ी कुदाले और तसले लाए, तो के बाळको पावड़ा कड़ाई कोदारियों अने तगारा लाव्या। बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। बाळको ये एक मोटो खाडो खोदियो। पाछळ पेज फेरवो जोईए। हवे पेज नंबर 60 ऊपर निम्नलिखित गुजराती शब्दों के आगे उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो के तगारू तो तसला, पावड़ो तो फावड़ा, टोपली तो टोकरी, कड़ाई तो कड़ाई, कोदारी तो के कुदाल। हवे प्रश्न सात, पानी के उचित उपयोग के सामने राइट और गलत का उपयोग के सामने रोंग क्या चिन्ह कीजिए। पहलू, अनिल पीने के पानी से हाथ पैर धोता है, तो के खोटू। रुचा नल चालू रखकर दूसरा काम करने लगती है, तो के खोटू। लोग पानी पीने के पानी से कपड़े धोते हैं, तो के खोटू। लोग पानी पीने के पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं, खोटू। लोग जलाशय में पशुओं को नहलाते हैं, तो के खोटू। जलाशय में पशु ने थोड़ा नहलाता हुए। लोग जलाशय में ट्रैक्टर जीप आदि वाहन धोते हैं, तो के खोटू। नवीन टपकता हुआ नल बंद करता है, तो के साचू। रीना बारिश का पानी बचाती है, हाँ साचू। प्रश्न आठ, निम्नलिखित शब्दों के शब्द क्रोश को क्रम में लिखिए। तो पहलू, बारिश, बादल, पानी, खूब, खेत ने तालाब। तो हवे शू, तो पहला शू आवशे कलम खटारना स्वरना प्रमाणे, तो के ख, तो के खूब, खेत, पछी तालाब, पानी, बादल ने बारिश। बीजू, बच्चा, कागज, क्षमा, मैदान, खेत अने कमी, तो के कमी, कागज, क्षमा, खेल, बच्चा ने मैदान। त्रीजू, दुमदुमा, बादल, कुहाड़ी, छपाछप,
અને લહેરાના, તો કે કુહાડી, છપાછપ, ધૂમધૂમા, બાદલ ને લહેરાના. પછી શું આપેલું છે, ભિન્ન અર્થ વાળે શબ્દ પર ગોલા કીજી. તો હવે જે અલગ પડતું હોય એના પર ગોળ કરવાનું, તો કે નીર, જલ, ઝાલ ને પાણી. તો કે ઝાલ એટલે કે અલગ પડે છે, ઝાલ એટલે ઓલી જાડી હોય ને. પછી શું આપેલું છે, કમાન, અભાવ, કમી ને ઘાટા. તો કે અભાવ, કમી ને ઘાટા બધું એ ત્રણ એક જ થાય, એટલે તો શું આવ્યું, કમાલ, એટલે એ અલગ પડતો શબ્દ. દુઃખી, પરેશાન વ્યક્તિ અને વ્યાકુળ, તો એ શું થયું, વ્યક્તિ છે એ અલગ પડ્યો ને, બાકી દુઃખી, પરેશાન ને વ્યાકુળ પડી એમાં જ આવે. પ્રાર્થના, ઉપાય, ઉપાસના ને વિનંતી, તો કે એ ઉપાય છે એ અલગ છે. બારિશ, વર્ષા, બારી ને વરસાદ, તો કે બારી એક અલગ છે, બાકી બારીશ, વર્ષા ને વરસાદ બધું એકનું એક જ થાય. હવે દસમું, ઉચિત જોડે મિલાઈએ. હવે તમને જોડકા આપેલા છે, હવે એ તમારે જોઈન્ટ કરવાના છે, પણ આમાં તો આપણે સામે જવાબ આપી દીધેલો છે, તો હું બોલું છું, તમારે સાંભળવાનું ને જોતું જવાનું સાથે સાથે. મેં બાદલો છે પ્રાર્થના કરૂંગા, રોજ બરસું. તો જોવો જે શું આવે, આવું કોણ બોલ્યું હતું, બિલ્લું. બાદલ રોજ કેસે બરસ સકતે હે, આ પાઠ હલાવતી ત્યારે કીધું હતું, કોણ બોલતું હતું, મહિમા. એક બડા સા ગડ્ઢા ક્યો ન ખોદે, તો એમાં શું આવશે, રઝિયા. હવે ચાલો બાજુનો પેજ, 61 પેજ નંબર ઉપર. હવે જો એમાં તમને પ્રશ્ન 11 કોષ્ટક આપેલો છે અને નીચે શબ્દ આપેલા છે, એ શબ્દ તમારે કરવાના છે. એમાં જો તમને શું આપેલું છે, જોવો જોઈએ, તમને એમાં તમને આપેલા નીચે નામ, એ નામ ગોતીને એના ઉપર રાઉન્ડ કરવાના છે. તો કુહાડી, તો તમારા અંદર ગોતવાનું કુહાડી. લહેરાએ, તો એ ગોતવાનું તમારે, બરાબર. આ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. ચાલો હવે ત્યાર પછી 12, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લખી. તો કે પ્રાર્થના, તો કે ઉપાસના અને વિનંતી. પછી પાણી, તો કે જળ, નીર અને વારી. કમી, તો કે અભાવ. પછી શું આપેલું છે, ચોથું, પરેશાન, તો કે દુઃખી અને વ્યાકુળ. ઉપાય, તો કે યુક્તિ અને તરકીબ. બારિશ, તો કે વર્ષા અને વરસાદ. હવે નીચે તમને પ્રશ્ન 13 ચિત્ર આપેલા છે, હર એક સંકેત કે આગે ઉસકા અર્થ લેખીએ. તો હવે કેનું છે, થોભો, તો ઠહરીએ. સાંકળો પુલ, તો કે સકરા સેતુ. ગોળાકાર રસ્તો, તો કે વર્તુળાકાર રસ્તો. આગળ રસ્તો સાંકળો છે, તો કે આગે રાસ્તા સકરા હે. આગળ પહોળો રસ્તો છે, તો કે આગે ચોડા રસ્તા હે. પ્રવેશ નંદ, તો કે પ્રવેશ નિષેધ. બંને સાઈડ માટે રસ્તો બંધ, તો કે દો તરહ રાસ્તા બંધ. ફક્ત સાયકલ માટે રસ્તો, તો કે સિર્ફ સાયકલ કે લીએ રાસ્તા. પછી સાયકલ મેં પ્રતિબંધ, તો કે સાયકલ નિષેધ, બરાબર. હવે પેજ નંબર પાછળ ફેરવો જોઈએ, 62. હવે તમને આ તો આપેલું જ છે, આપણે ભણાવી ગયા હતા ખબર ને, નીચે દી ગઈ ચિત્ર કે આધાર પર કહાની કથન કીજીએ. તો એક વાર વાંચી દઉં છું, એક તાલાબ થા ઉસમે બહુત સારે મેઢક રહેતે થે. તાલાબ કે કિનારે બરગદ કા એક પેડ થા. ઉનકી છડ મેં એક બિલ થા, ઉસમે એક સાપ રહેતા થા. સાપ રોજ રોજ કિસી ન કિસી મેઢક કો પકડ કર ખા જાતા થા. મેઢક પરેશાન હો ઉઠે થે. એક દિન ઉન્હોને આપસ મેં મિલકર એક ઉપાય સોચા. દૂસરે દિન એક મેઢક બિલ કે સામને ખડા રહા. બાકી સબ મેઢક બિલ કે આસપાસ છીપ ગયે. જેસે હી સાપને ઉસ મેઢક કો પકડા, છીપે હુએ મેઢક નિકેલાએ
निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया, वह पकड़ते हुए मेंढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेंढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में ही शक्ति है। चलो वे नीचे पत्र आवेलो छे, ई पण मैं काल तमने पत्र कराव्यो तो ज इज सेम टू सेम आ पत्र छे। हवे आपणे नेक्स्ट पीरियड में मळीशुं। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।